लोग आईएएस पीसीएस तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल फेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं, पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे देखते हैं, बचपन से लेकर अब तक तक वो सफ़र कैसे बदल गया। सर, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज का जो युवा है, ठीक है वो पढ़ाई करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आड़ मिल गई है कि मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं पूजा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास समय नहीं है। ये जो भाव आज के युवाओं में आ गया है, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना एक अलग है, लेकिन भगवान से जो दूरी आ गई है और उसको ये उदाहरण दे के बोला जा रहा है कि समय नहीं है, मुझे पढ़ना बहुत है। सर, ये जो व्याख्यान जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, जो युवा कर रहा है, वो कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म से जुड़ा रहना भी बेहद ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जो हमेशा एक डबल माइंड में रहते हैं कि हमने आईएएस का रिजल्ट मतलब रिटर्न निकाल दिया, लिस्ट में नाम आ गया, मॉक टेस्ट में जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ में जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ में रुक जाते हैं, कुछ रिटर्न में रुक जाते हैं। एक रहता है ना कि यार 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई प्लान भी है नहीं ज़िंदगी में, आगे अब हम क्या करेंगे। कुछ लोग सुसाइड के रास्ते पे भी चले जाते हैं, जो बहुत सी खबरें आती हैं, और कुछ होते हैं ठीक है हमको जो मिला उसमें हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। आप भी उस दौर से गुजरे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम तमाम आपको ऐसी पर्सनालिटीज से मिलाते हैं जिनका सीधा असर आपकी ज़िंदगी में पड़ता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी अधिकारी हो। आप जानना चाहते हैं कि आप उनकी तरह कैसे बने, क्या कुछ हासिल करें, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया, कैसे वो इस मुकाम पर पहुँचे, देश के साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास जाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं कि सर हम ऐसा क्या करें कि हम आपकी तरह बन पाएँ। भले ही आज कंपटीशन टफ हो गया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि बच्चे उसको क्रैक ना कर पाए। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही उमदा अधिकारी मौजूद हैं जो समाज सेवा भी करते हैं, देश का भी नाम रोशन करते हैं, और उन्होंने अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया और कार्य क्षेत्र में भी अव्वल रहे। हम बात कर रहे हैं एल वेंकटेश्वर जी की, जो प्रमुख सचिव परिवहन है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आंध्र प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से एमटेक किया है, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उसके बाद आईएएस बने, आज इतना बड़ा कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल यही कि लोग आईएएस पीसीएस तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल फेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं, पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे देखते हैं, बचपन से लेकर अब तक तक वो सफ़र कैसे बदल गया? ये तो माँ बाप, पेरेंट्स, सभी लोग तो चाहते हैं कि बच्चा जो है योग्य बने, नाम कमाए, समर्थ बने। तो इसको देखते हर एक को, क्योंकि लक्ष्य क्लियर होता है, जो स्टूडेंट होशियार है और अच्छा माहौल मिलता है तो आईएएस बनने के लिए पूरा संघर्ष करते हैं। आज के डेट में मेरे ख्याल में आईएएस जॉब की जो जॉब सीकिंग में तो नंबर वन पे होगा, सारे इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सभी बहुत हायर लेवल पे होंगे। तो सबको जो है पावर दिखाई देता है, पब्लिसिटी दिखाई देता है, और जो चमक दमक गाड़ी घोड़ा बंगला ये साधारण है। इसलिए तो इसके लिए आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए मोटिवेशन को लेके कोई समस्या नहीं है किसी को। लेकिन बनते कैसे हैं तो ये बात भी है कि इसके लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है और थोड़ा बहुत कृपा भी चाहिए। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े हैं और बहुत सारे लोग ट्राई भी किए, बहुत सारे लोग हुए नहीं, क्योंकि इसमें तो ट्राई तो 10 लाख लोग करते हैं और आईएएस में तो 100 ही लोग आते। हमारे टाइम पे तो उतना ही था, और इंडिया में जितनी कॉलेजेस है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, सभी लोग तैयारी करते हैं इसको। और इवन सारे टॉप क्लास स्टूडेंट्स भी होगा तो कितने सेलेक्ट हो गए। लेकिन उसको संघर्ष के साथ साथ कृपा भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये कृपा कैसे मिलती है, कृपा कैसे मिलती है, मैं उसको एक विशेष रूप से वो बताना चाहता हूँ उसको। जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ते थे या इवन जो इंजीनियरिंग विशेष रूप से, क्योंकि इंटरमीडिएट तक तो साधारण पढ़ाई थी, किसी को बहुत बड़ा विशेष उसको रिकग्निशन नहीं होता है। हमारे टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट हुआ था तो सभी लोग भाई जो भी हमारे आसपास के रहने वाले हैं तो उनके पेरेंट्स सब, उनमें मेरा बहुत बड़ा इसको एक बड़ा रिपुटेशन मिलता है। जब ये इंजीनियरिंग उस समय तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो मैं पूरी हमारे
आंध्र प्रदेश में तो मैं तो तेलुगु मीडियम से पढ़ा था, मातृभाषा से पढ़ा था, तो वो पहली बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस को एन टी रामाराव आए थे उस समय, तो एन टी रामाराव ने तेलुगु में इंजीनियरिंग एंट्रेंस इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है कि वो तेलुगु मीडियम में ना रखते तो हो सकता है कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं सेलेक्ट हो पाती, उसमें जाने की भी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बस मेरे ख्याल में मेरे लिखने से एक दो साल पहले उन्होंने तेलुगु में इंजीनियरिंग एंट्रेंस शुरू किया, तो अब इंजीनियरिंग में ज़्यादा उसमें मेहनत किया और भगवान की कृपा से सेलेक्ट हो गए। तो जब इंजीनियरिंग सेलेक्ट होने के बाद भी मेरे घर में जब मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ कम से कम जो है 40-50 बच्चे, मैं तो गांव के रहने वाला हूँ, आके मेरे साथ बैठते हैं। मेरी मम्मी बोलते हैं तुम काहे घर बीड़ी इकट्ठा किए हो, तो मैं पढ़ता भी था और मैं पढ़ाता भी था। अब इमेजिन करिए कि और वो भी निःशुल्क ही पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कोई पैसा लेके पढ़ाना, उस तरह की जरूरत भी नहीं है ना हम करते हो काम, तो जो भी पढ़ाते थे निःशुल्क पढ़ाते हैं, हमारे उसको मान्यता है कि यही नहीं, मैं पढ़ते वक्त भी पढ़ाता था लोगों को। यदि हम अपने बैकग्राउंड में जाके देखते हैं भाई भगवान की कृपा कैसे मिलती है, ये भी मैं बता दूं, जो व्यक्ति जो भी पाया है इस दुनिया में अपने संघर्ष के आधार पर ही पाता है, और कृपा भी मिलती है उसके लिए भी, आपको उस ढंग के काम करने पर ही कृपा मिलती है, कृपा ऐसे नहीं मिलती। भगवान भाई कोई भेदभाव नहीं करता है यहाँ पे, मैंने वो पढ़ाया है उसकी इतना बड़ा पुण्य है, तभी तो मैं यहाँ पर आई है साहब। मैं बोलूँगा बाकी जो संघर्ष आपने किए, बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन पुण्य कहाँ है आपका? पुण्य प्रताप जो है देने से ही होता है, एक तो ये बात है। बहुत बार सर्विस में आने के बाद, भाई सर्विस में आने के लिए मोटिवेशन तो रहता है कि भाई बहुत मेहनत करके बहुत ये पावर दिखेगा, भाई सर्विस में आने के बाद हमको क्या करना चाहिए, इसको लेके बहुत लोगों को गलत फहमी में रहते हैं। सर्विस में आने के बाद ढंग से पढ़ना भी छोड़ देते हैं, ढंग से मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो मंजिल मिल गया। हालांकि IAS में सेलेक्ट होना, PCS में सेलेक्ट होना, ये गंतव्य नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। आप IAS में सेलेक्ट हो गया इसका मतलब एक भाई आपका भाई एक अवार्ड हो गया तो फिर आप आराम से रहो, आपको जो है एक ये नहीं है कि जैसे पद्म भूषण मिल गया, हो सकता है उनके लिए कुछ काम करने की ऐसा कोई डिमांड नहीं है उस पोस्ट का, उस ऑनर का, वो देख करेगा तो और अच्छी बात है। लेकिन इसमें IAS PCS ये सेवा करने के लिए आपको अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि गंतव्य के रूप में। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी में रहते हैं, उनको सर्विस में आ गया है तो फिर मौज मस्ती करना है, तो आके वो समाज के साथ भी इसमें धोखा होता है और अपने साथ भी धोखा होता है, क्योंकि ये भगवत सत्ता ऐसा हमने तो इसको एहसास किया है कि यहाँ समाज में जो भी पावर चलता है, यहाँ भी पावर इक्वेशन चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय साम्राज्य चलता है, और उसको समझने के लिए बड़ी आदमी को सेंसिटिविटी चाहिए। मैं एक और बात बता दूँ, जो संत महापुरुषों का उनके साथ इनका जो है संबंध होने चाहिए, या शास्त्रों का संबंध होना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों या संत महापुरुषों के साथ संपर्क में नहीं आता है, उनके साथ उनकी सत्संग या उनका जो है वो सही ढंग से संबंध नहीं होता है, इस रहस्य को जान नहीं पाते। या किसी के माँ बाप भी ऐसे अच्छे लोग हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, कम से कम शास्त्र पुण्य पाप धर्म अधर्म इन चीज़ों को समझने वाले होते हैं, तो हो सकता है तब वो व्यक्ति सर्विस में आने के बाद भी व्यक्ति उसको वो स्पिरिट को मेंटेन करेगा, और वो व्यक्तित्व जो चाहिए, सही व्यक्तित्व जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवस्था के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, अदरवाइज तो हमारी प्रोवर्ब है एक पावर करप्ट्स अब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली, तो जिनकी पावर का चक्कर में रहता है तो उसको केवल पावर का गेम खेलते हैं, पावर का गेम खेलते हैं ये ना समझते हुए कि ये जो है ये पावर का गेम खेलते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग पिस जाते हैं।
सर, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज का जो युवा है, ठीक है, वो पढ़ाई करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आड़ मिल गई है कि मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं पूजा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास समय नहीं है। ये जो भाव आज के युवाओं में आ गया है, IAS PCS अधिकारी बनना एक अलग है, लेकिन भगवान से जो दूरी आ गई है और उसको ये उदाहरण दे के बोला जा रहा है कि समय नहीं है, मुझे पढ़ना बहुत है। सर, ये जो व्याख्यान जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, जो युवा कर रहा है, वो कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म से जुड़ा रहना भी बेहद ज़रूरी है। कि मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा या जो भी उनकी आराध्य देव है उसकी पूजा नहीं करूँगा, ये तो ये बात हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि कितने टाइम पूजा करना चाहिए, कैसी पूजा करना चाहिए, ये भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, इसकी पूजा करने के लिए यहाँ पर अनंत व्यवस्था है। इसको व्यक्ति उसकी नाम लेके भी, भगवान का नाम लेके कोई धार्मिक स्थान पे नतमस्तक होके या बुजुर्गों का को रोज़ उनकी शरण वंदना करके, वो तरह तरह की यहाँ पर जो है बहुत सारी हमारे पास विधान है। तो और कितने फ्रीक्वेंटली भगवान के पास जाना चाहिए, कि भाई मंदिर में कितने बार जाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको, या कौन सी वेशभूषा धारण करना चाहिए। तो इसलिए उस तरह का की बात वो नहीं है। ये बात तो सही कर रहे हैं कि वास्तव में पढ़ने के लिए अब कितने देर पढ़ेगा, ये भी है, और किस ढंग से पढ़ेगा। तो ये कहना है कि मैं जो है इसको वास्तव में धार्मिकता बढ़ाने के लिए काम जो करना चाहिए उसको, और माता पिता जो बोलते हैं उसकी, उनको अच्छा बनने की दृष्टि से बोलते हैं, थोड़ा भक्ति और थोड़ा उनके अंदर संस्कार हो। संस्कार मीन्स जो व्यक्ति, इसलिए धर्म और भक्ति की जब बात करते हैं, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, दूसरों के व्यवहार, दूसरों से, ये सभी, ये जो है आप धार्मिक स्थान में जाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि अहंकारी ना बने, स्वार्थी ना बने, रूखा ना बने, और जो भी जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उसमें व्यक्ति टूटे ना, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, एंग्जाइटी का शिकार ना हो जाए। तो एक्चुअली धर्म और जो हमारी जो ऋषि मुनियों का जो विचार है वो इनको अंदर से मजबूत बनाते हैं। सर, कुछ बच्चे हैं जो हमेशा डबल माइंड में रहते हैं कि हमने IAS का रिजल्ट, मतलब रिटर्न निकाल दिया, लिस्ट में नाम आ गया, मॉक टेस्ट में जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज में जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे कुछ इंटरव्यूज में रुक जाते हैं, कुछ रिटर्न में रुक जाते हैं। एक रहता है ना कि यार 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई प्लान भी है नहीं ज़िंदगी में, आगे अब हम क्या करेंगे। कुछ लोग सुसाइड के रास्ते पे भी चले जाते हैं, जो बहुत सी खबरें आती हैं, और कुछ होते हैं ठीक है, हमको जो मिला उसमें हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। आप भी उस दौर से गुजरे हैं, आपने भी एग्ज़ाम दिया, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट, किसी का सेकंड अटैम्प्ट में निकल जाता है। सर, वो जो माहौल होता है ना, उसे कोप अप कैसे किया जाए? जो देखिए सुसाइड की बात आप जो कर रहे हैं, सुसाइड करने के लिए IAS में जाके सुसाइड करने की जरूरत नहीं। आजकल तो हाई स्कूल मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, सुसाइड कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में भी कर रहे हैं, मार्क्स ज़्यादा नहीं आए तो छोटे छोटे एग्जाम में भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों से आदमी करता है। कोप अप कैसे करें सर? एक्चुअली ये जो है, ये समाज की, समाज में ये बुजुर्गों का, ये समाज के जो धार्मिक जो नेता लोग हैं और हमारे जो महापुरुष लोगों का, उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। अब आज़ादी आंदोलन में आज़ाद दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत त्याग तपस्या की, तो आज़ादी मिलने के बाद इसको, इस आज़ाद भारत में हर एक व्यक्ति कैसे खुशी से रहे, इनकी खुशी में इजाफा हो और जीवन में तकलीफें कम हो, इसको लेके अलग अलग क्षेत्र के लोग उस पर काम नहीं किया, ढंग से काम नहीं किया। हम बता दें बन रखे इतनी, कितने हमारे कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कितनी सोशल साइंस पढ़ाते हैं, कितनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, भाई उससे व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है ना कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस जो है ये लोगों को समझाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कैसा है, और वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लोगों को विकास की रास्ते पर कैसे ले जा सकता है, और इसको डेमोक्रेसी के प्रति किस तरह की भावनाएं होना चाहिए, किस तरह की दृष्टि होना चाहिए, उसको पढ़ते हैं लोग। क्या इतनी कॉलेजेस होने के बाद पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो या पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स हो, जाके गांव-गांव में
मोहल्ले मोहल्ले में ये जाके ये संवाद करके इस तरह का माहौल बना रहे हैं क्या? एक बार तो हमको आज़ादी मिल गई, तो फिर आज़ादी को उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, वो सोशल साइंस पढ़ा। हमारी सोसाइटी आज की डेट में कैसा है और सोशल साइंस वाले ये पढ़ेंगे सारा विश्व में किस तरह की सोसाइटीज़ है और वहाँ की क्या कमियाँ हैं और उसमें हारमोनियस सोसाइटी क्या है, हेल्दी सोसाइटी क्या है, हैप्पी सोसाइटी क्या है। तो हैप्पी सोसाइटी में किस तरह की विचार होना चाहिए, किस तरह की आदतें होना चाहिए, किस तरह का संबंध होना चाहिए, तो उस पर क्या वो सोशल साइंस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उस पर समाज में अच्छी व्यवस्थाओं को, बुरी व्यवस्थाओं को हटाते हुए समाज से अच्छी सामाजिक संबंधों को, सामाजिक रीति रिवाजों को स्थापित करने के लिए कोई काम कर रहा है क्या? ये बहुत बड़ी ये चैलेंज है। आज की डेट में हम लोग बोल रहे हैं कि अमृतकाल, अमृतकाल आज़ादी लाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा, अमृतकाल लाने के लिए भी किसी की तो संघर्ष करना पड़ेगा हमारे महापुरुषों को स्पिरिट को लेते हुए और आज के विज्ञान को लेते हुए। तो ये जो है हर एक व्यक्ति इनको स्वयं सोचना चाहिए कि मैं कैसे इस पर ऐसा जिस क्षेत्र में मेरी कैपेबिलिटी है, जिस क्षेत्र में मेरा सामर्थ्य है, ज्ञान है, उसमें मुझसे जुड़े हुए लोगों को लेके इस समाज में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करने लग जाएंगे तो भाई हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी सुधार होगा। आपको ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो गए हैं इस प्रशासनिक कार्यभार संभालते हुए, जो आज के जो अधिकारी आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो एग्जाम रिटर्न सब कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, जो सर उनके साथ आप कौन सा ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे जो उनके लिए एक मंत्र साबित हो सकता है जो आपने अपने इस पूरे साल में देखा? मैंने इसको अपनी जीवन में जो भी अनुभव किया है इतना पक्का है कि हम किसी को भी फंडामेंटली बुरा नहीं समझना चाहिए। एक जो कबीर साहब बोलते हैं ना, बुरा जो देख कर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। फंडामेंटल ये है, देखो आप किसी को, हर एक व्यक्ति की अपने अपना बैकग्राउंड अलग है, अपने अपने परिवेश अलग है, आप निर्णय जो लेना है लीजिए पूरी पोलाइटनेस के साथ, शालीनता के साथ, क्योंकि आप भाई नियम कायदे कानून पढ़ाई आपकी परिस्थिति आपका अलग है, राजनीतिक व्यक्ति का अलग है, पत्रकार की अलग है, टीचर का अलग है, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने परिवेश में, कोई यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। एक तो ये भी जानना पड़ेगा कि परफेक्शन ढूंढने के चक्कर मत पड़िए, अपने भी ढूंढे तो आप भी नहीं ठीक हो गए, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसा नहीं है कि आपका हर एक व्यवस्था में कर्म परफेक्ट। लोग बोलते हैं ना, सोना जो है शुद्ध सोना से आभरण नहीं बनता है, उसमें भी थोड़ा बहुत उसका वो कापर मिलाएंगे तभी जाके बनता है। तो अब शास्त्र भी बोलता है कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत सर्वारंभाय दोषेन धूमेन अग्निहि युवावृता। भगवान कृष्ण इस प्रकृति की व्यवस्था को समझाते हुए बोलते हैं कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत, सहज रूप से यहाँ पर कर्म दोष से, इस दुनिया में हर एक कर्म कुछ न कुछ दोष से ये ओतप्रोत रहता है। सभी कर्म 100% शुद्ध कर्म यहाँ पर नहीं मिलता है दुनिया में, तो इसलिए उसको उसमें कर्म में दोष समझ के इसको तिलांजलि मत देना। थोड़ा बहुत दोष 10% दोष है उसमें, 20% दोष है, 80% तो ठीक है उसका। तो इसलिए बहुत लोग ऐसा भी है, इतना आइडियल बनने के चक्कर में जो काम इनसे 80% होता है वो भी नहीं कर पाते हैं, और जो व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा जो चल कपट करने वाला है वो उस पोजिशन में आएगा, 70% गड़बड़ कर देगा, 30% ठीक कर देगा। तो आदमी को ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज अच्छा कर सकता हूँ। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। तो आपने देखा किस तरीके से आपको साफ तौर पे पता चला कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं, कर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपका दृढ़ निश्चय रहता है कि आपको ज़िंदगी में ये हासिल करना है, समाज को लेकर चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका माइंड क्लियर रहता है, अपने विवेक के साथ काम करते हैं, तो आप ज़िंदगी में सारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।